morning. Now last video we already discussed about our chapter, and now our chapter is completed, that is our earth. And now today we are going to discuss about question answer and exercise of this chapter. Now our first question is tick the correct answer. Next अपना जो question है, first question है tick the correct answer. इसमें अपना first question हो गया The earth shape is, अर्थ की जो शेप है, ठीक है, अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ की जो शेप है वो कैसी शेप है. सो ऑल वी नो अबाउट द शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की जो शेप है वो कैसी शेप है, राउंड. ओके, देन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईलैंड्स आर कॉल्ड, जो हाईलैंड्स होती हैं को आप क्या कहोगे, देन उसको डेजर्ट कहोगे, वैलीज कहोगे या हिल्स. सो वी कैन कॉल हिल्स. ओके, जो हाईलैंड्स होती हैं उनको आप क्या कहोगे, हिल्स. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्मर्स ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज को कहाँ पे ग्रो करते हैं, हिल्स पे ग्रो करते हैं, माउंटेन्स पे ग्रो करते हैं या प्लेन्स पे ग्रो करते हैं. सो आर करेक्ट आंसर इज प्लेन्स. फार्मर्स जो होते हैं वो मतलब प्लांट्स को किस पे ग्रो करते हैं, प्लांट्स या ट्रीज को किस पे ग्रो करते हैं, प्लेन्स पे. ओके, एंड नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. एंड नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ इज मेड अप ऑफ, जो अर्थ है वो किससे बनी हुई है, लैंड एंड वॉटर. एज आई स्टडी इन आवर स्टार्टिंग ऑफ आवर चैप्टर, चैप्टर के स्टार्टिंग में अपने स्टडी किया था कि जो अर्थ होती है वो किससे कवर होती है, लैंड एंड वॉटर. एंड नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो अर्थ है ठीक है वो क्या करती है, किसके चारों ओर राउंड करती है. सो सन इज द करेक्ट आंसर. एंड नेक्स्ट माउंटेन्स आर कवर्ड विद, जो माउंटेन्स होते हैं वो किससे कवर होती है. सो माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, किससे कवर होती है, स्नो से. वैलीज आर कवर्ड विद फ्लावर्स, और जो वैलीज होती हैं वो किससे कवर होती है, फ्लावर्स से. ओके, एंड नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेज द फॉलोइंग क्वेश्चन, देन अर्थ क्या है, एक ग्लोब, डेजर्ट, हॉट, माउंटेन्स, कॉल्ड, प्लैंस, फ्लैट. और प्लैंस क्या हो गई, फ्लैट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट और नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु ऑल लाइव ऑन द अर्थ, जो अर्थ है उस पर कौन कौन रहता है. And now let's see the answer. Now as you can see here, अर्थ पे अब आपको बताना है कौन कौन रहता है. All the plants, birds, animals and human beings live on the earth. जो भी आप अपने चारों ओर देखते हो, जो भी आप अपने सराउंडिंग देखते हो, वो सारे things क्या करती है, कहाँ पे रहती है, land के ऊपर. कहाँ पे रहती है, land के ऊपर. Okay, so जितने भी प्लांट्स हैं आप अपने चारों ओर क्या देखते हो, प्लांट्स देखते हो. तो जो भी प्लांट्स हैं ठीक है, और आप क्या देखते हो, बर्ड्स. तो जो भी बर्ड्स हैं या फिर जो भी एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो क्या है अपने, वो कहाँ पे रहते हैं, लैंड के ऊपर. कहाँ पे रहते हैं, लैंड या फिर आप बोल सकते हो अर्थ के ऊपर. ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज यू कैन सी हियर व्हाट इज ए ग्लोब, ग्लोब क्या होता है ये आपको बताना है. एंड नाउ As I told you, the globe is the model of the earth. जो ग्लोब है वो क्या है, मॉडल ऑफ द अर्थ. इस अर्थ का जो मॉडल है वो क्या हो गया, ग्लोब. सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ग्रो ऑन हिल्स, अब आपको बताना है कि जो हिल्स हैं उन पे क्या चीज ग्रो करती है. ठीक है, जैसे कि अपन ने बात की थी अपने चैप्टर में कि जो हिल्स होती है उन पे क्या ग्रो करता है, many fruits trees like apples. ठीक है, many types के जो fruit trees हैं, जो fruits अपने
फ्रूट्स आप लेते हो लाइक एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, ओके, तो इस टाइप के जो भी अपने मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ ग्रो करते हैं? हील्स पे, ठीक है. कौन कौन से हो गए? एप्पल, चेरीज, प्लम्स एंड पीचेस, इस टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, वो किस पे ग्रो करते हैं? ग्रो ऑन हील्स. कहाँ पे ग्रो करते हैं ये? हील्स पे ग्रो करते हैं. ओके, कहाँ ग्रो करते हैं? हील्स में. तो मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं वो हील्स पे ग्रो करते हैं. एंड नाउ और नेक्स्ट वी हैव इज वैलीज. ठीक है, अपन ने बात की ग्लोब के बारे में, हील्स के बारे में. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वैलीज. अब अपन देखेंगे कि वैलीज क्या होती है. सो नाउ एज यू कैन सी हियर इन दिस आंसर, ए वेरी ब्यूटीफुल लैंड कवर्ड विद फ्लावर्स. ठीक है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट लैंड का, ठीक है, जो किससे कवर होता है? ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड ब्यूटीफुल प्लांट्स. किससे कवर होता है? ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड प्लांट्स से कवर होता है. ओके, इज कॉल्ड ए वैली. ठीक है, और इसी टाइप्स की जो लैंड होती है उसको आप क्या कहोगे? वैलीज. व्हाट यू कैन से दैट? यू कैन से दैट वैलीज. ओके, सो दिस इज द वैलीज, जहाँ पे क्या होता है? ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं. ओके,